Hello everyone, this is Zohaib Hassan and you are watching the School of Art and Design official channel. जिस तरह के आप लोग देख रहे हैं कि हमारी पूरी एक सीरीज चल रही है फोटोग्राफी सेशंस पे, जिससे आप आसानी से आसान लैंग्वेज में आसान अल्फाज में आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं. जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, जिसमें एक्सपोजर के आगे एलिमेंट्स, शटर स्पीड, अपर्चर, ISO, उसके बाद हमने बेसिकली फोटोग्राफी है क्या और इससे कैसे आप इस सिचुएशन में आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं और इससे अच्छा अर्न कर सकते हैं, इसको प्रोफेशन बना सकते हैं, इस पैशन को कन्वर्ट करके आप अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं. तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली एक्सपोजर का जो एक तरह से कह लें कि विजुअल गाइड है कि एक्सपोजर ट्राइंगल है क्या, ये मैं जो आपको एक चार्ट दिखाने जा रहा हूँ इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो एक्सपोजर ट्राइंगल है ये क्या चीज़ है. बेसिकली एक्सपोजर ट्राइंगल में तीन चीज़ें आती हैं, जिसमें आपका अपर्चर, शटर स्पीड और ISO. जिस तरह आप ये चार्ट में देख रहे हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं अपर्चर की. अपर्चर जिस तरह हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, अपर्चर बेसिकली आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ योर लेंस, कि जो आपका लेंस है इससे जो लाइट पास हो रही होती है वो आपकी एक तरह से कह लें कि आपका ये गेट है, अ गेट वे टू कह लें कि जो आपका फ्रेम है यहाँ से लाइट पास होती है. अब आपने डिसाइड करना है कि मैंने कितनी जो लाइट है वो एंटर होने देनी है. अब उसमें आप अगर आप इस चार्ट को देखें तो चार्ट में क्लियरली आप जितना अपर्चर को ओपन करते जाते हैं उतनी लाइट एंटर होती जाती है, और जितना आप अपर्चर को बंद करते जाते हैं उतनी लाइट आप एंटर होने से रोकते हैं. अब आप लेट सपोज अगर आपके पास लो लाइट है, कम लाइट है, आप कम लाइट में कर रहे हैं, लिहाजा आपने क्या करना है कि आप अपर्चर को ज़्यादा ओपन करते जाएंगे. इसी तरह अगर आपके पास ऑलरेडी अगर आप सन लाइट में हैं, आपके पास लाइट ज़्यादा है, एक्सपोजर ओवर एक्सपोज हुआ है, लिहाजा आप क्या करेंगे, आप जो आपका अपर्चर है उसको आप कंपनसेट करेंगे, उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे ताकि ये कि आपकी जो लाइट है उसको आप रोका जा सके. लेकिन इस जो ट्राइंगल है इसको दिखाने का मतलब ये है कि बेसिकली जो तो तीन चीज़ें हैं इसको एक्सप्लेन करने का मतलब ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक चीज़ को करना है और सारी जो लाइट है उससे आपने एडजस्ट करनी है. लेट्स सपोज आप इस एक्सट्रीम लेवल पे एंड पे जाते हैं तो क्या होता है, जिस तरह आप चार्ट में देख रहे हैं, अगर आप सबसे ज़्यादा अपने जो अपर्चर है उसको ओपन करते हैं तो क्या होता है कि आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज कर जाती है तो ये पॉजिटिव. लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि जहाँ पर आपने इंटायरली सीन को जो है वो कह लें कि फोकस करना है, तो उस सूरत में आप अपर्चर को उस हिसाब से मैनेज करेंगे. जिस तरह अब दूसरे नंबर पे आप अगर देखें तो हमारी शटर स्पीड है, तो शटर स्पीड में क्या होता है कि अगर आप एक एक्सट्रीम लेवल है जी आप हायर नंबर कर देते हैं, आप शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देते हैं, तो क्या होगा कि आपकी मूवमेंट फ्रीज हो जाएगी. और अगर आप शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा स्लो कर देते हैं तो आपकी जो मूवमेंट है वो ब्लर हो जाएगी. अब दोनों सूरतों में होना तो ये चाहिए कि आप शटर स्पीड ज़्यादा कर दें, लेकिन वो उस फॉर्म में जब आप किसी स्पोर्ट्स के इवेंट को कवर कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपने मूवमेंट को फ्रीज़ करना है. लेकिन जिस तरह हम आपको जो पिक्चर्स दिखा रहे हैं, अब दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने इंटेंशनली शटर स्पीड को स्लो किया हुआ है ताकि आप जो है जिसको आप कहते हैं कि लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी वो आप कर सकें. जहाँ पर आप ये आपकी आर्टिस्टिक चॉइस है, आप चाह रहे हैं कि इसमें आपने शटर स्पीड को मैनेज करके ये वाला रिजल्ट आपने लेना है. और दूसरी जो इमेज है उसमें आपने क्या करना है कि आपने इंटेंशनली शटर स्पीड को ज़्यादा तेज़ करके आप ये वाला रिजल्ट दे सकते हैं. लेकिन होगा क्या, ये आपकी आर्टिस्टिक चॉइस है और प्लस लाइट कितनी अवेलेबल है, आप क्या चाह रहे हैं फ्रेम के अंदर, उस हिसाब से आप ये देखें कि आप एक एक्सट्रीम लेवल पर जाएँ तो लाइट तो इंक्रीज़ होगी और लेकिन उससे क्या हो रहा होगा, आपकी जो कॉन्टेंट है उस पर असर पड़ रहा होगा. सेम इसी तरह देखें तो हमारे तीसरे नंबर पे आता है जी ISO. अब ISO से क्या होता है कि ये बेसिकली आपकी सेंसिटिविटी टुवर्ड लाइट होती है. जितना आप सेंसिटिव बनाते जाते हैं उतनी लाइट इंक्रीज होती जाती है. अगर आप यहाँ पे देखें तो 25,600 आपका एक तरह से कह लें कि ISO आपने किया हुआ है, तो उससे क्या होता है ग्रेन्स आ जाते हैं आपके फ्रेम के अंदर, ग्रेन्स आ जाते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी इमेज को नॉइजी नहीं बनाना, अब आप जो ISO को डिक्रीज करते जाते हैं, तो होगा क्या कि आप जब लेट्स सपोज आप 50 पे हैं तो क्या होगा कि आपकी जो लाइट है वो कम हो जाएगी. लिहाजा जब लाइट कम हो जाएगी तो उस हिसाब से आपको बाकी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी साथ. लिहाजा ये एक्सपोजर ट्रायंगल आपको समझाने का मतलब ये है कि आप एक चीज़ को एडजस्ट करते हैं तो बाकी चीज़ों को आपको साथ कंपनसेट करना पड़ता है.
ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक चीज़ को पकड़ें और अपनी लाइट जो है ना एडजस्ट कर दें। मकसद सिर्फ फोटोग्राफी में लाइट एडजस्ट करना नहीं होता, आपका जो कंटेंट है उसको सही तरीके से प्रेजेंट करना भी होता है। आप क्या चाह रहे हैं फ्रेम के अंदर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप चाहते हैं कि लाइट को एडजस्ट कर दें, लाइट को एडजस्ट करने से क्या होगा, आप अगर आप वैसे देखें तो आजकल स्मार्टफोन भी अच्छे खासे एक तरह से कह लें कि वो ऑटो पे हैं, लेकिन उससे क्या आप अपनी आर्टिस्टिक चॉइस के मुताबिक पिक्चर बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो DSLR यूज़ करने का मतलब या मैनुअल मोड पे जो काम करने का मतलब ये होता है कि आप सारी चीज़ें खुद मैनेज करें। सारी चीज़ों में क्या होता है आपका जो एपर्चर, शटर स्पीड और ISO, अब इन चीज़ों को जब आप मैनेज करते हैं तो ये आपकी आर्टिस्टिक चॉइस के मुताबिक मैनेज होती हैं। आप क्या चाह रहे हैं, आप जो है वो कह लें कि डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, या आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करना चाह रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपको जो सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा वो मैनुअल मोड और इन तीनों चीज़ों को साथ कंपनसेट करना अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और योर नीड या आर्टिस्टिक चॉइस। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आपने इन तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किस तरीके से मैनेज करते हैं और किस तरीके से आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।